अगर गोवा से बॉम्बे आपको 10 घंटे में आना है तो यू कैन ट्राई दिस मेथड, और यू कैन कंफर्टेबली कम फ्रॉम गोवा टू मुंबई बाय रोड 10 घंटे में, ज़्यादा टायर्ड भी नहीं हो और इन्जॉय करते हुए यू कैन कम टू बॉम्बे, राइट? Yes. गोवा को बाय बोलने का टाइम आ गया है। गोवा से बॉम्बे का रूट जो होगा वो कुछ नया रूट होगा, और फिर रास्ते में क्या क्या आता है विल अपडेट यू। इट्स अ लॉन्ग वे एंड वी आर रेडी टू एंजॉय दिस रूट। लेट्स गो। तो हम लोग आते टाइम डिफरेंट रूट से आए एंड वी थॉट लेट्स go via different routes so we can show both the routes to the viewers. Belgaum से होते हुए आए आते टाइम और अभी अम्बोली वाला रूट लेके और देन विल गो टू मुंबई। काले तो वो भी गए। कैन यू स्पॉट द डिफरेंस हमारे कितनी टैनिंग हुई है मेरे में तो खास तौर से। हाउ टैंड वी आर नाउ एंड बिफोर वी रीच गोवा, व्हाट द डिफरेंस? हमारा जो फर्स्ट स्टॉप है वो है नॉर्थ गोवा फ्रॉम साउथ गोवा, सो अराउंड 1.5 घंटा लगता है यहाँ से नॉर्थ गोवा जाने में। South Goa and North Goa are quite different, na? I mean, you get a very different feel in both of them. This is that place surrounded by trees and so beautiful here, and wow, photos come out very nice here. फोटोशूट किया ना उसकी वजह से हुआ ही। किसका कूद के फोटोशूट करा? तुम्हारा। अच्छा, खुद ने बोला कि कूद के लेते हैं, कूद के लेते हैं। लंगड़ी खेलते हुए चले हमारे लंगड़ी के पहलवान। So it's almost 2:30 now and we are roaming the lanes of North Goa and we are going to one of his favorite place, Cafe Lilliput, which is at Anjuna Beach. I love the food and ambience, so we're going and there. I think he's been there almost 10 times. फाइनली गोवा से 4:30 बजे हम निकल रहे हैं। पूरा साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा ड्राइव करके आए पहले, फिर फेरा वाली जो जगह वहाँ पे 2 बार क्रॉस्ड एंड वी हैड अ लंच एट अंजुना बीच, और अब 4:30 पे वेटिंग फॉर मुंबई। रास्ते में कहाँ तक पहुँचते हैं देखते हैं, कहाँ रुकते हैं रात को। घाट से निकल के अब ये रेस्टोरेंट आए, राइट लेंगे तो कोल्हापुर का रास्ता आता है, सोचा कुछ चाय पी ली जाए। टी टाइम आई थिंक 3 घंटे हो गए, 4:30 बजे निकले थे, अभी कोल्हापुर 1 घंटा और दूर है तो चाय पी के कोल्हापुर पहुँचते हैं। से राइट जाते हैं तो अम्बोली घाट आता है, और ये जो होटल सत्यवती है यहाँ पे चाय पी के सुपर वुमेन को थोड़ा जोश आया है, और कोल्हापुर सीरियसली यार कमर दुख गई बैठ बैठ के। तो फटाफट पहुँचते कोल्हापुर,
और स्टे करते हैं कोल्हापुर में। ठंडी लग रही है, वेदर भी कोल्ड है यहाँ पे। गोवा में गर्म था, ह्यूमिड था। कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं क्योंकि 5 घंटे लग जाते हैं गोवा से कोल्हापुर आने में। तो आई थिंक ये एग्जैक्ट मिडवे रहता है बॉम्बे जाने के लिए। कल 5 घंटे और लगेंगे यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए। तो हम कुछ 11 बजे निकलेंगे ब्रेकफास्ट करके, एंड देन बाय आफ्टरनून 4-5 विल बी इन मुंबई। चलो फिर, सी यू टुमारो मॉर्निंग। निकलने का टाइम हो गया है बॉम्बे के लिए फाइनली कोल्हापुर से। कुछ 12:30 हो रहा है आफ्टरनून एंड इट्स टाइम टू लीव फॉर मुंबई। आई थिंक मैप के हिसाब से 6.5 घंटे लगते हैं, बट आई थिंक 5-5.5 घंटे पहुंच जाना चाहिए। वेस्टर्न घाट्स भी स्टार्ट होते हैं, सतारा का रूट यहाँ से चालू होता है। तो इफ यू कैन सी वेस्टर्न घाट्स कोल्हापुर से। अब पुणे क्रॉस करेंगे एंड देन एक्सप्रेस वे, और आई थिंक यहाँ से 2.5 घंटे और लगेंगे। जब निकले थे, जब गूगल मैप ने बताया था कि 6:30 पे पहुँचोगे, और आई थिंक इससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकता गूगल मैप। 6:30 पहुँचा है, वी आर एट होम। कोशिश किया कि कवर अप करने का, लेकिन वो उससे ज़्यादा कवर अप नहीं हो सकता। 6:30 आर होम, लिटिल बिट टायर्ड, बट चलो सही टाइम पे पहुँच गए। मुझे लगता है गूगल मैप आपके हॉल्ट्स आप लोगे शायद कितने लंबे ड्राइव में, वो भी काम कर लेता है। करता है, इतना स्मार्ट है। आप कहाँ रुकोगे, कौन से टोल पे कितना टाइम लगेगा, और एवरेज स्पीड क्या रहती है, सब इंक्लूड करके।